हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण सहरावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो अभी जितने भी सेविंग्स की कोई भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसमें अभी मैसेंजर जो है वो अलाउड नहीं है। तो उसके लिए जो सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर जो भी फिजिकल इन्फर्मिटी वाले जितने भी पर्सनस हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो उसके लिए अभी जो भी सोल्यूशन दिया गया है एक, तो अभी उसके रिगार्डिंग जो सोल्यूशन आया है उसको आज हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो क्या सोल्यूशन उसको दिया गया है, क्या एप्लीकेशन फिल करनी है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो अभी स्क्रीन पे आप ऑर्डर देख रहे हैं ये GSPR 2018 रूल्स के हिसाब से बनाया गया है। उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ये डिसाइड किया है कि जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर इलनेस की वजह से जो भी अकाउंट होल्डर हैं सफरिंग फ्रॉम फिजिकल इन्फर्मिटी और डिफरेंटली एबल जो पर्सनस हैं, अगर उनको पोस्ट ऑफिस में आने में परेशानी होती है विड्रॉल्स के लिए, क्लोज़र के लिए या फिर कोई लोन प्री मेच्योर क्लोज़र है उसके लिए, तो वो एक किसी ऑथराइज्ड पर्सन को अलाउ कर सकते हैं। तो उसके लिए ये फॉर्म जो अभी नीचे आप स्क्रीन पर देखेंगे, फॉर्म नंबर 12 वो दिया गया है प्रोविज़न में, उसको फॉर्म नंबर 12 को फिल करना है। तो जैसा अभी आप देख पा रहे होंगे, कीपिंग इन व्यू ऑफ द सेफ्टी ऑफ डिपॉजिटर हार्ड अर्न मनी, तो ये प्रोसीजर जो है ये फॉलो किया जाएगा। अकाउंट होल्डर को एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है फॉर्म 12 वो फिल करना है, और वो फिल करके उसमें पर्पज़ लिखना है किस पर्पज़ के लिए वो ये फॉर्म दे रहा है, या फिर ऑपरेशन ऑफ अकाउंट के लिए विड्रॉवल जो है, क्लोज़र है, लोन है या फिर प्री मैच्योर क्लोज़र है, वो उसमें लिखना पड़ेगा। तो उस एप्लीकेशन फॉर्म में जो फॉर्म नंबर 12 है उसमें डिपॉजिटर एक पर्सन को जो पढ़ा लिखा होगा उसको ऑथराइज़ करेगा, वो ऑथराइज पर्सन पोस्ट ऑफिस में आके उसकी ट्रांजैक्शंस करेगा। जो पॉइंट नंबर 3 है उसमें है, जो ऑथराइज पर्सन के फॉर्म नंबर 12 पे साइन होंगे उनको अटेस्टेड करेगा अकाउंट होल्डर जो होगा, और अगर जॉइंट भी अकाउंट है तो उसमें दोनों में से कोई भी एक अकाउंट होल्डर ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर को अटेस्ट कर सकता है। और ऑथराइज पर्सन जो है वो कोई भी SCS एजेंट्स जो होते हैं या फिर MPKVY एजेंट्स वो नहीं होंगे, ना ही कोई भी एम्प्लॉई होगा जो PO सेविंग्स ब्रांच में काम करता हो। ऐसे किसी भी एम्प्लॉई को या फिर SCS एजेंट को ऑथराइज पर्सन नहीं किया जाएगा। तो पॉइंट नंबर 5 है उसमें बता रखा है, अकाउंट होल्डर जो है उसको खुद ही जो भी विड्रॉल फॉर्म है या फिर अकाउंट का प्री मैच्योर क्लोज़र है या फिर क्लोज़र फॉर्म है या फिर लोन के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है SB7, 7A, 7B या 7C, वो उसको खुद अपनी हैंड राइटिंग में फिल करना है और उसके बाद उसको साइन करना है, और साइन करने के बाद वो ऑथराइज पर्सन को हैंड ओवर कर देना है। पॉइंट नंबर 6 जो है उसमें बता रखा है कि जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होगी ID प्रूफ की और एड्रेस प्रूफ की, वो अकाउंट होल्डर की भी लगेगी और उसने जिस पर्सन को ऑथराइज़ किया है उस पर्सन की भी साथ में लगेगी, क्लोज़र फॉर्म के साथ में या फिर जिस पर्पज़ के लिए वो आया है उस पर्पज़ के लिए। अगर उसको एक से ज़्यादा कोई ट्रांजेक्शन्स करनी है, विड्रॉवल, लोन, क्लोज़र या फिर कोई भी अलग अलग ट्रांजेक्शन करनी है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स तो सिर्फ एक बार ही लेने हैं, उसके एक बार एक सेट उसको कंप्लीट करवा लेना है KYC डॉक्यूमेंट्स का और फ़ोटो का, लेकिन फॉर्म 12 उसको हर बार फिल करके देना पड़ेगा सभी अकाउंट्स के लिए, ऐसा इसमें लिखा गया है। पॉइंट नंबर 7 जो है उसमें लिखा गया है ऑथराइज पर्सन को वो सारे फॉर्म्स लेके और वो ऑथराइजेशन जो लेटर है फॉर्म 12 अथॉरिटी लेटर जिसको बोला गया है वो लेके, क्लोज़र फॉर्म वो सबमिट वो सभी लेके पोस्ट ऑफिस में आना है, उसके साथ में जो भी KYC डॉक्यूमेंट्स होंगे वो लेके पोस्ट ऑफिस में जमा करा देना है। बाद में पॉइंट नंबर 8 में बताया गया है जो काउंटर PA होगा वो उसके जो डिपॉजिटर है, अकाउंट होल्डर है, उसके सिग्नेचर को टैली करेगा, जो SB7 में किए होंगे उसने, जो फॉर्म 12 में भी किए होंगे, और उसको फिनेकल में जो भी IES में या फिर CTM में जाके उसके सिग्नेचर को वेरीफाई करेगा, और साथ में उसका SB3 कार्ड या फिर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म निकलवा के उसमें भी टैली करेगा। पॉइंट नंबर 9 है, अगर सिग्नेचर उसके टैली हो जाते हैं
तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वो सुपरवाइज़र को हैंड ओवर करेगा अप्रूवल के लिए, और सुपरवाइज़र उसके सभी डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से चेक करेगा, बाद में वेरीफाई करेगा। अगर उसको अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है सुपरवाइज़र, तो वो सभी को ऑर्डर में लगा के उसके टॉप पे लिखेगा ऑथराइजेशन एक्सेप्टेड, और वहाँ पे अपने सिग्नेचर करेगा। इन केस अगर पोस्टमास्टर जो है या फिर जो भी सुपरवाइज़र है वो वेरीफाई करते टाइम सेटिस्फाई नहीं होता है उसकी जेन्युइननेस से, तो वो किसी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को उसके वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंस करेगा, वहाँ पे जहाँ पे आप डिपॉजिटर है या फिर अकाउंट होल्डर है, वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन वहाँ पे जाके उसको वेरीफाई करके आएगा, और बाद में जो भी ऑथराइज पर्सन है उसको पेमेंट कर दी जाएंगी। वेरिफिकेशन के बाद में काउंटर पीए या फिर सुपरवाइज़र है वो सेम वही फॉलो प्रोसेस फॉलो करेंगे जैसा अकाउंट क्लोज़र या पॉइंट नंबर 13 है उसमें दिया गया है कि कोई भी पेमेंट होगी वो ऑथराइज्ड पर्सन को कैश में नहीं दी जाएगी सिवाय सेविंग्स के विड्रॉल के। बाकी कोई भी ट्रांजैक्शन वो करने के लिए आएगा उसमें, चाहे उसका कोई क्लोज़र हो, प्री मैच्योर क्लोज़र हो, चाहे वो 20,000 से कम ही क्यों ना हो, उसको उसको या तो चेक ऑर्डर करना है, या फिर उसके जो डिपॉजिटर है उसके सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, या फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। किसी भी हालत में उसको कैश की पेमेंट नहीं करनी है। कैश की पेमेंट सिर्फ उसको जो सेविंग्स अकाउंट से विड्रॉल के लिए आएगा फॉर्म 12, उसी में सिर्फ उसको कैश की ट्रांजैक्शन देनी है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 14 जो है उसमें बताया गया है, जो ऑथराइज्ड पर्सन जो आएगा फॉर्म 12 लेके, उसका SB7 या SB7A जो भी फॉर्म उसके पास होगा उसके एक्विटेंस पोर्शन पे उसके सिग्नेचर ले लेने हैं। सारी प्रोसेस करने के बाद में उसको चेक या फिर जो भी उसकी पासबुक है वो हैंडओवर कर देनी है। पॉइंट नंबर 15 है, जो भी फॉर्म होगा क्लोज़र फॉर्म या फिर जो भी सारे 7A, 7B, 7C या फिर विड्रॉल फॉर्म, उस सभी के साथ में वो फॉर्म 12 जो अथॉरिटी लेटर है और उसके KYC डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच कर देने हैं वाउचर के साथ में, और उनको SBCO को सबमिट कर देना है। SBCO है उसके पास भेजे जाएंगे। SBCO उन सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा और वहाँ पे वो ये वेरीफाई करेगा कि कोई भी पेमेंट कैश के द्वारा नहीं दी गई है ऑथराइज पर्सन को सिवाय सेविंग्स के विड्रॉल के, और सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑर्डर में हैं कि नहीं। तो ये काम SBCO का है। SBCO अगर सब कुछ ठीक है तो ओके करके उनको सबमिट कर लेगा, नहीं तो उस पर ऑब्जेक्शन रेज करेंगे। ये साथ में नोट दिया गया है कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के जो भी डिपॉजिटर्स हैं उनको सभी को चेक फैसिलिटी ATM, ई बैंकिंग, नेट बैंकिंग या फिर IPPB में उनका अकाउंट लिंक करके दिया जाए, जिसकी वजह से उनको ऐसी परेशानी ना हो। वो अपना नेफ्ट का ट्रांजैक्शन है या कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं, चेक से विड्रॉल किसी भी पोस्ट ऑफिस से कहीं से भी वो अपना विड्रॉल ले सकें और उनको ऐसी परेशानी ना हो। और एक और क्लैरिफाई किया गया है कि ये जो ऑथराइजेशन लेटर है, जो फॉर्म 12 है, वो ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अकाउंट होल्डर हो उसी को आके देना है, वो मैंडेटरी नहीं है। वो ऑथराइज पर्सन खुद ही उसको फॉर्म 12 को लेके आ सकता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये फॉर्म 12 जो है वो कैसा है, कैसे फिल करना है उसको। ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये फॉर्म 12 है, लेटर ऑफ अथॉरिटी टू ओपन ऑन ऑपरेट एन अकाउंट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम ऑन बिहाफ ऑफ डिपॉजिटर सफरिंग फ्रॉम फिजिकल इन्फर्मिटी इंक्लूडिंग ब्लाइंडनेस। तो ये फॉर्म जो है ये फॉर्म फिल कर देना है टू पोस्टमास्टर जहाँ पे आपका अकाउंट है, आई और वी डिपॉजिटर का नाम, उसका अकाउंट नंबर, किस स्कीम के अंडर उसका अकाउंट है वो स्कीम का नाम, और किसको ऑथराइज कर रहा है बाद में श्रीमती MS या जो भी है उसका नाम आएगा डिपॉजिट ऑथराइज पर्सन का, उसका फादर्स नेम, हस्बैंड नेम या फिर डॉटर ऑफ जो भी है वो यहाँ पे नाम आएगा, इन होम आई कॉन्फाइड एंड हुज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अटेस्टेड। तो किस पर्पज़ के लिए है वो 1, 2, 3, 4 में वहाँ पे पर्पज़ लिख देने हैं। वहाँ पे क्लोज़र के लिए है, विड्रॉल के लिए है, प्री मैच्योर क्लोज़र है, किसके लिए है, साइड में ऑथराइज पर्सन का जो है फोटोग्राफ वहाँ पे पेस्ट कर देना है।
और उसके नीचे स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज पर्सन के स्पेसिमेन सिग्नेचर्स, वहाँ पे तीन सिग्नेचर उसको करने हैं। और उसके नीचे सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ डिपॉजिटर, जो अकाउंट होल्डर है डिपॉजिटर है उसके सिग्नेचर होंगे। अगर वो थंब इम्प्रेशन लगाता है तो वहाँ पे थंब इम्प्रेशन लगेगा। थंब इम्प्रेशन लगाने के बाद वहाँ पे विटनेस के सिग्नेचर होंगे, सिग्नेचर ऑफ विटनेस जहाँ पे लिखा गया है। और वो विटनेस जो है वो ऐसा पर्सन होगा जो पोस्ट ऑफिस जिसको जानता हो, और उसके नीचे नेम एंड एड्रेस आएगा और डेट आएगी। तो ये था दोस्तों फॉर्म 12 का प्रोविज़न, जो फॉर्म 12 सीनियर सिटीजन्स के लिए, या फिर किसी को ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकल इन्फॉर्मिटी है इंक्लूडिंग ब्लाइंडनेस, ऐसे केस में मैसेंजर को अलाउ करता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।